ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को प्रभु प्रसाद चैनल में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज रक्षाबंधन के इस पर्व पर आप सभी रूहानी भाई बहनों को मुबारक हो, मुबारक हो। रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार राखी हर साल श्रावण मास में पूर्णमासी तिथि को बांधी जाती है। हिंदू धर्म के इस त्यौहार का विशेष महत्व होता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपनी भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है। यह त्यौहार भाई बहन के अटूट रिश्ते और प्यार का प्रतीक है। रक्षाबंधन का त्यौहार सदियों से चला आ रहा है। धार्मिक मान्यता है कि यमराज की बहन यमुना ने यमराज के कलहाई में राखी बांधी थी, जिसके बदले यमराज ने यमुना को अमरत्व का वरदान दिया। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्योहार है, जिसे राखी कहते हैं। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। राखी रंगीन कलावे, रेशमी धागे, सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तु तक की जा सकती है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधकर भगवान से उनकी तरक्की के लिए प्रार्थना करती हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर राखी बहनें भाई को ही बांधती है, लेकिन इसके अलावा भी राखी ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार में छोटी कुमारियों द्वारा सम्मानित संबंधियों जैसे बेटे द्वारा पिता को भी बांधी जाती है। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन का इतिहास क्या है, इसे मनाने की शुरुआत कब हुई थी। यह सदस्यों पुराना त्योहार है। पुराणों के अनुसार एक बार देव और दानवों के बीच युद्ध हो रहा था, तब इंद्राणी ने रेशम के धागे से निर्मित रक्षा सूत्र को इंद्र देवता के हाथों पर बांध दिया। संयोग उस दिन श्रावण मास की पूर्णमासी तिथि थी। दूसरा, महाभारत में भी मिलता रक्षाबंधन का उल्लेख। जब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब भगवान ने उनकी और उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि राखी के रेशमी धागे में वह शक्ति है जिससे आप हर विपत्ति से मुक्ति पा सकते हैं। तीसरा, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से जब शिशुपाल का वध किया, उस समय श्री कृष्ण की उंगली से रक्त बहने लगा। उस समय द्रौपदी ने अपने साड़ी के कोने को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के घाव पर लपेटा। तब श्री कृष्ण ने कहा, शुक्रिया प्यारी बहना, तूने मेरे कष्ट में साथ दिया तो मैं भी तुम्हारे कष्ट में साथ देने का वायदा निभाऊंगा। यह भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया था। तो कहते हैं इस घटना से रक्षाबंधन का
प्रारंभ हुआ। बाद में जब कौरवों ने भरे सभा के सामने द्रौपदी का साड़ी खींचकर जब उसका अपमान करने का प्रयास किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बचाकर अपना वायदा पूरा किया था। उस समय से लेकर बहनें अपनी भाइयों की कलाई में राखी बांध रही हैं और बदले में भाई जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करने आश्वासन देते आ रहे हैं। चौथा, कहते हैं एक बार राजपूत और गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के बीच युद्ध चल रहा था। तब चित्तौड़ के राजा की विधवा रानी कर्णावती ने अपने प्रजा की सुरक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। तब हुमायूं ने चित्तौड़ और रानी कर्णावती का रक्षा की थी और उन्हें अपनी बहन का दर्जा दिया। श्रावण मास की पूर्णमासी पर राखी के अलावा और कुछ त्योहार भी मनाए जाते हैं। कुछ लोग इस दिन जनेऊ बदलते हैं, इसलिए इसको जनजला पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कुछ लोग राधे और कृष्ण की मूर्तियों को पालने में रख के झूला झुलाते हैं और इसी दिन को झूलन पूर्णिमा भी कहते हैं। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में इस दिन घेवू के बीज बोते हैं और इस दिन को कजरी पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। केरल और महाराष्ट्र के लोग इस दिन को नाराली पूर्णिमा के नाम से बुलाते हैं और वे समुद्र देवता की पूजा करते हैं। हालांकि इस दिन कई तरह के उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन उनमें से लोकप्रिय और प्रमुख त्योहार है यह रक्षाबंधन। 16 साल की बहन 5 साल भाई को रक्षाबंधन बांधने से वह बच्चा कैसे रक्षा कर सकता है? सच्चा रक्षक तो एक परमपिता परमात्मा ही है। आइए रक्षाबंधन के आध्यात्मिक रहस्य को जानते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में रक्षाबंधन के बारे में अनेक कथाएं सुने, तो आइए ज्ञान मार्ग के हिसाब से हम सब मिलकर रक्षाबंधन का सच्चा उत्सव मनाएंगे। रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य है कि इस त्योहार को विषतोड़क पर्व और पुण्य प्रदाय का पर्व भी कहते हैं, यानी विष को तोड़ने वाला यह पर्व है। पुण्य प्रदाय का पर्व इसलिए कहते हैं कि पुण्य का खाता जमा करने का यह पर्व है। अभी इस सृष्टि के नाटक मंच के समय अनुसार कलयुग का अंत और सतयुग के आदि कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। श्रीमद् भगवत गीता के महावाक्य अनुसार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानीर भवति भारता, यानी जब कलयुग के अंत में दुनिया में दुख अशांति भ्रष्टाचार अत्याचार बढ़ जाते हैं, तब परमात्मा का अवतरण होता है। परमपिता परमात्मा शिव परकाय प्रवेश करके सच्ची गीता का ज्ञान दे रहे हैं कि रक्षा सिर्फ बहन को नहीं लेकिन हर एक आत्मा को चाहिए। आज हर एक आत्मा, चाहे बहन हो या भाई, सभी दुखी अशांत तनावग्रस्त है। हर
एक मनुष्य आत्मा इनसिक्योरिटी असुरक्षित अनुभव कर रही है, क्योंकि हर एक आत्मा पांच विकारों के बंधन में बंधी हुई है। पांच विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत हो पतित बन गए हैं और परमात्मा को पावन बनाने पुकारते हैं कि हे पतित पावन सीताराम, आओ आकर हम सभी पतित आत्माओं को पावन बनाओ। तो सर्व का रक्षा करने वाले सिर्फ एक ही परमपिता परमात्मा है। रक्षाबंधन में विशेष करके बहने भाई को तिलक देती है, भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है, मुंह मीठा कराती है और भाई बहन की रक्षा का आश्वासन देते हैं और खर्ची भी देते हैं। इसका मतलब है दुख अशांति का कारण है अपवित्रता। गाया जाता है पवित्रता सुख शांति की जननी है। मन वचन कर्म में पवित्रता लाने हम रक्षाबंधन मनाते हैं। तिलक देना माना आत्मिक स्मृति का तिलक, यानी हम सब आत्माएं आत्मिक नाते से भाई भाई हैं और इस शरीर को चलाने वाली कर्म इंद्रियों का मालिक है। रक्षाबंधन बांधना माना पवित्रता को अपने जीवन में लाने का दृढ़ संकल्प करके परमपिता परमात्मा की याद रूपी छत्र छाया के अंदर सुरक्षित सेफ रहना। मुख मीठा कराना माना एक दूसरे से प्यार भरा व्यवहार करना, मीठा बोलना, हरेक को सम्मान देना और हरेक की विशेषताओं को देखना। तो रक्षाबंधन के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने निकट ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। ब्रह्मा कुमारी वेबसाइट विजिट करें। अच्छा, ओम शांति।